हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट फिजियोलॉजी, मतलब हृदय की संरचना, और उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे हृदय के कार्य, ठीक है, और उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जैसे आर्टरीज वगैरह, ठीक है, वेंस यानी कि धमनियाँ और सिराओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये एक बच्चे का क्वेश्चन था और एक मेरा क्वेश्चन भी था। मैंने आपसे पूछा था कि एक ब्लड डोनेशन में, वन ब्लड डोनेशन में हम कितना ब्लड दान करते हैं, है ना, एक ब्लड डोनेशन में हम कितना ब्लड दान करते हैं, या एक यूनिट कह सकते हो, तो उसमें हम 450 ml, 450 मिलीलीटर यानी कि 450 ml ब्लड डोनेट करते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वीडियो के लास्ट में, उसका आंसर है, ठीक है। और जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्चुअली ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बहुत रेयर है, ठीक है। सबसे पहले ये बॉम्बे में खोजा गया था 1952 में। 1952 में बॉम्बे मतलब मुंबई, मुंबई का पुराना नाम है बॉम्बे, ठीक है। और एक डॉक्टर थे डॉक्टर Y.M. भेंडे, डॉक्टर Y.M. भेंडे, इनके द्वारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप को खोजा गया था। इस ब्लड ग्रुप को हम एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एच ब्लड ग्रुप, या इसका एक और नाम है OH ब्लड ग्रुप। दो नाम है इसके, एच ब्लड ग्रुप या OH ब्लड ग्रुप इसे कहते हैं। रेयर ब्लड ग्रुप है ये, ठीक है, और इसका ब्लड बहुत रेयर ही मिलता नहीं है सामान्यतः जो भी ब्लड बैंक है इंडिया में, ठीक है। तो एक रेयर है और ये सबसे पहले बॉम्बे में खोजा गया था 1952 में, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मुख्य चैप्टर है आज का, और वो है हृदय के कार्य और संरचना। सबसे पहले आप समझो कि हमारा हृदय होता कहाँ है। आपको बोर्ड पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने पहले से बना रखा है ताकि क्लास में टाइम वेस्ट ना हो। हमारा हृदय, हमारा जो चेस्ट है, वक्ष, चेस्ट के लेफ्ट साइड में पसलियाँ होती हैं। पसलियों के भीतर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल झिल्ली, पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल झिल्ली या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। उसमें पसलियों के नीचे ये हमारा जो चेस्ट है वहाँ पर लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है, ठीक है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, बायां, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में ये उपस्थित होता है हृदय। ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली पुनः तीन संरचनाओं की बनी होती है। ये झिल्ली भी तीन चीज़ों की या तीन संरचनाओं की या तीन परतों की बनी होती है। इस झिल्ली की कितनी परतें होती हैं? तीन। और उन तीनों परतों को कहते हैं, एक है आपका एपिकार्डियल, एपिकार्डियल, ठीक है, कहीं कहीं ये कार्डियम लिखा मिलेगा आपको, मैं इसे कार्डियल ही बोलता हूं, एपिकार्डियल, मायोकार्डियल और तीसरा है एंडोकार्डियल। ये तीन झिल्लियां हैं, ये तीन परतें हैं, इन तीन परतों से बनी होती है ये झिल्ली जो हमारे हृदय को चारों ओर से घेरे रखती है, ठीक है। हमारा जो हृदय है वो सामान्यतः तो बाईं तरफ उपस्थित होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में, लेकिन कुछ लोगों में ये राइट साइड में भी पाया जाता है, कुछ लोगों में राइट साइड में पाया जाता है ना। 10 लाख लोगों में एक आध बार ये केस देखा गया है कि लोगों में राइट साइड में हर्ट होता है, जैसे कि एक मूवी है इंडिया की लक, उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो जिस कंडीशन में राइट साइड में हर्ट होता है उस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, उस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब देखिए यहाँ,
ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड में पसलियों के नीचे पेरिकार्डियल झिल्ली, आपको याद रखनी है, ठीक है। पेरिकार्डियल झिल्ली के भीतर उपस्थित होता है हृदय। अब हमारा जो हृदय है इसका भार होता है औसत भार, इसका औसत भार, लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है। पुरुषों में इसका भार होता है लगभग 350 ग्राम और महिलाओं में इसका भार होता है लगभग 250 ग्राम, ठीक है। पुरुषों में लगभग 350 ग्राम और महिलाओं में लगभग 250 ग्राम। एग्जाम में आपसे पुरुषों और महिलाओं का अलग अलग काफ़ी कम आता है, लेकिन औसत भार जरूर पूछा जाता है। हृदय का औसत भार होता है, हमें आंसर टिक करना है, 300 ग्राम होता है, ठीक है, हमारा जो हृदय है ना। पुरुषों में थोड़ा सा भार ज़्यादा होता है, महिलाओं में थोड़ा सा भार कम होता है, लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि उनका हृदय कमज़ोर होता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है इसका मेन काम क्या है, वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना। इसका मुख्य काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड का पंप करना का मतलब है रुधिर संचरण के लिए जिम्मेदार है ये। पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार है हार्ट। हार्ट क्या करता है, ये ऐसे इस तरीके से सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, है ना, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन इसे कहते हैं। सिस्टोल डायस्टोल होकर ये पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले, ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले ।1628 में एक वैज्ञानिक थे अंग्रेज, उनका नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले 1628 में ब्लड सर्कुलेशन को खोजा था, यानी कि रुधिर प्रसंचरण को खोजा था। आपसे क्वेश्चन आता है ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने खोजा था, विलियम हार्वे ने 1628 में उन्होंने सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है और उसके पीछे ये हार्ट जिम्मेदार है, इस चीज़ की खोज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा हृदय एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। लेकिन यह धड़कता है वयस्क व्यक्ति में। वयस्क मतलब व्यक्ति, मतलब जो जो वयस्क हैं 18 साल से ऊपर जिनकी एज है और 59 साल से नीचे जिनकी उम्र है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि वृद्ध लोगों में या बूढ़े लोगों में कितनी बार धड़कता है, ये वृद्ध या बूढ़े, तो ये धड़कता है लगभग 60 बार एक मिनट में, लगभग 60 बार। यहाँ पर वृद्ध या बूढ़े लोगों में हृदय की धड़कन कम हो जाती है, ठीक है। अगर पूछा जाए बच्चों में, 1 साल तक के बच्चे कह सकते हो, इनमें धड़कता है लगभग 120 बार। और जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण मतलब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब धड़कता है लगभग 150 बार। भ्रूण में लगभग 150 बार हृदय धड़कता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, उस समय भी 150 से 180 बार धड़कता है। व्यायाम जब आप करते हो तब 150 से 180 बार धड़कता है, सोचिए। तो ये हमारे हृदय की धड़कन है। एक मिनट में लगभग ये 72 बार धड़कता है औसतन, ठीक है, 72 टाइम्स। क्वेश्चन आएगा तो आंसर हमें ये टिक करना है। वृद्धों का कई बार आ चुका है, लगभग 60 बार धड़कता है एक मिनट में, है ना। लास्ट ईयर 2019 में एक एग्जाम में आया था, व्यायाम करते समय इसकी धड़कन कितनी होती है, और SSC CGL में भी ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है, 150 से 180 बार। अब यहाँ से एक चीज़ और बनती है कि जब हमारा हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी एक धड़कन में कितना टाइम लगता है। एक धड़कन में कितना टाइम लगता है, यहां से यह क्वेश्चन बनता है। इसकी एक धड़कन में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। पूरी एक सेकंड नहीं लगती, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हृदय की एक धड़कन में लगा समय कितना है, 0.8 सेकंड।
एक धड़कन में ये ब्लड पंप करता है लगभग 70 ml, एक धड़कन में लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है ना। एक एग्जाम में तो पूछा गया था कि लव डब ये किस अंग की धड़कने की, ये किस अंग की आवाज़ है, तो ये हमारे हर्ट की आवाज़ है, ठीक है ना। लव डब तरीके से धड़कता है, ठीक है। कैसे इसकी गति बढ़ जाती है, किन कंडीशंस में, ये मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए 70 ml ब्लड ये एक धड़कन में पंप करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और एक मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो यहाँ से निकालोगे लगभग एक मिनट में ये 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, एक मिनट में लगभग ये 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा ये जो हृदय है, अभी इसका फंक्शन कैसे कैसे वर्क करता है ये मैं आपको बता दूंगा। हमारा जो हृदय है, आपने देखा होगा कि कुछ कंडीशंस में जैसे डर की स्थिति में आपके हृदय की गति बढ़ जाती है। डर लगता है जैसे ही आप लोगों को, हृदय की गति बढ़ जाती है। जैसे आप उनके साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे और उनका भाई आ जाए तो डर तो लगेगा ही लगेगा, सिंपल सी चीज़ है ना। या फिर आप सिगरेट पी रहे थे, धुएँ का छल्ला उड़ा रहे थे और सामने से पिताजी आ जाए तो डर लगेगा इस स्थिति में, है ना। या फिर आप कमरे में अकेले थे और आपको पता चलता है कि लाइट चली जा चुकी है और कमरे में कोई और भी है, ठीक है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इस स्थिति में डर लगता है और डर की स्थिति में हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है। और उसका कारण है एक हार्मोन, जिसे हम कहते हैं 3F हार्मोन, या फिर जिसे कहते हैं एड्रेनलिन। क्या कहते हैं? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, ये हृदय की गति को बढ़ा देता है विपरीत स्थितियों में। जब डर लगने की स्थिति में हृदय की गति बढ़ने का कारण क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अम्लीय माध्यम में हृदय की गति ऐसे देगा, वो ऑप्शन देगा बढ़ जाती है, घट जाती है, सामान्य रहती है, या इनमें से कोई नहीं। अब अम्लीय माध्यम में देखिए हृदय की गति बढ़ जाती है अगर, और जो हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करती है, अगर किसी चीज़ में घोलती जाए तो उसकी अम्लीयता को बढ़ा देती है, यानी कि उसके pH मान को कम कर देती है या अम्लीयता को बढ़ा देती है, ठीक है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, छोड़ते समय CO2 बाहर जाता है, वो हार्ट से होकर जाता है, और अगर हम ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो शरीर के भीतर ज़्यादा मात्रा में CO2 बनेगा। ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में CO2 बनेगा, ज़्यादा मात्रा में CO2 बनेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में, और इससे क्या होगा, जो ब्लड है उसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी और हृदय की गति भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम व्यायाम करते हैं, उसका कारण होता है शरीर में ज़्यादा मात्रा में CO2 की उपस्थिति, जिसके कारण हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है जब हम कोई वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अम्लीय माध्यम में हृदय की गति बढ़ जाती है और क्षारीय माध्यम में हृदय की गति घट जाती है, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अम्लीय माध्यम में हृदय की गति बढ़ जाती है और क्षारीय माध्यम में हृदय की गति घट जाती है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और बनती हैं, कुछ और प्रश्न बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसे समझा दे रहा हूँ कि इसका वर्क क्या, अब ये फंक्शन कैसे करता है। देखिए अशुद्ध और शुद्ध ब्लड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार और फिर से बता देता हूँ अशुद्ध और शुद्ध ब्लड के बारे में। देखिए यहाँ से अशुद्ध ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुली हुई है, और शुद्ध ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। अब जो हमारा पूरे शरीर को, कोशिका वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है रुधिर ब्लड, ठीक है। क्या करता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई, रुधिर करता है, ब्लड करता है। स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी,
अब यहां से एक चीज समझिए, रुधिर यानी कि ब्लड पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा के आ रहा है लौट के, तो क्या उसके पास ऑक्सीजन होगी? नहीं होगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध ब्लड कहेंगे या अशुद्ध कहेंगे? उसको अशुद्ध कहेंगे या इसे डीऑक्सीजनेटेड कहते थे। और एक शुद्ध ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड और अशुद्ध को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो आ रहा है शरीर से आएगा, उसे खींच कौन रहा है? हार्ट खींच रहा है। अब यह है इन्फीरियर वेना कावा और यह है सुपीरियर वेना कावा, इन दोनों से एंटर करता है और एंटर करके ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? चार। दो होते हैं अलिंद और दो होते हैं निलय। दो अलिंद होते हैं और दो निलय। अलिंद को कहते हैं ओरिकल या एट्रियम और निलय को कहते हैं वेंट्रिकल। और निलय को कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहां से देखिए, चार चैम्बर होते हैं अलिंद और निलय। जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर हैं ये आपको दिखा हुआ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम मैंने लिख रखा है यहां। ऊपर वाले जो दो चैम्बर होते हैं इनको अलिंद कहते हैं, इन दो को अलिंद कहते हैं, ठीक है। ये बाया अलिंद, ये दाया अलिंद, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है ऐसे ही ये है, मैं खड़ा हो जाऊं यहां पर और ये मान लीजिए मेरा हार्ट है, तो आपको दिख रहा होगा यहां ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। जो नीचे वाले दो हैं इन दोनों को निलय कहते हैं, है ना, वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दिख रहा है आपको। अब देखिए यहां हमारे हृदय में चार चैम्बर होते हैं। हमारा जो अशुद्ध ब्लड था, है ना, एक यहां से क्वेश्चन और बन जाता है, पहले ये बता देता हूं। मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मेंढक के हृदय में तीन चैम्बर या तीन कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? या वेश्म भी इसे कह देते हैं, ठीक है ना। तो कितने होते हैं? ये तीन होते हैं। चलिए अब यहां से एक चीज और, अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है कि कौन सी इनमें से कौन सी चीज दो होती है। तो देखो भाई, ऊपर तो दो ही होते हैं यानी कि अलिंद दो होते हैं और वेंट्रिकल यानी कि निलय एक होता है। एक निलय होता है मेंढक में और दो अलिंद होते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें जो समझना है अपने हृदय यानी कि मानव हृदय के बारे में समझना है। यहां से इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, इन दो आर्टरीज के, इन दो वेंस के जरिए हार्ट का ब्लड कहाँ पहुंचा? राइट एट्रियम में या दाए अलिंद में पहुंचा। सबसे पहले रुधिर दाए अलिंद में पहुंचता है, यहां पहुंचा। ये कैसा ब्लड है? अशुद्ध यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। यहां पर जब ब्लड की मात्रा बढ़ती है तो ये वाल्व है, इसको कहते हैं एरिट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या कहते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। देखिए ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, ठीक है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है ये वाल्व खुल जाता है, खुलकर यहां से ब्लड नीचे की ओर आ जाता है और ये इसमें ऑक्सीजन नहीं है इस ब्लड में। ये नीचे वाला जो कोष्ठ आपको दिख रहा है, नीचे वाला चैम्बर, ये अलिंद है, ठीक है, सॉरी ये निलय है, है ना, ये क्या है? निलय। और ये कौन सा है? राइट निलय या दाया निलय है। अब दाएं निलय से यहां पर एक वॉल्व होता है, देखिए ये रहा, इसको कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी वॉल्व। अब यहां से ये जो नलिका दिख रही है आपको, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी या हिंदी में इसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं? ध्यान से समझना, फुफ्फुस धमनी। देखिए इसे कहते हैं फुफ्फुस या पल्मोनरी धमनी, ठीक है। इसको फुफ्फुस धमनी इसलिए कहते हैं क्योंकि फुफ्फुस कहते हैं फेफड़ों को यानी कि लंग्स को। दो फेफड़े होते हैं, मैं यहां बना देता हूं छोटा सा, इस तरीके से दो फेफड़े होते हैं मनुष्य में,
देखिए यहाँ ये दो फेफड़े हैं, ठीक है, यहाँ चेस्ट में होते हैं दो फेफड़े। अब यहाँ देखते हैं ब्लड कहाँ पहुँचा, पहले तो यहाँ पहुँचा था राइट ऑरिकल में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में पहुँचा, है ना, दाएं अलिंद के बाद दाएं नीले में पहुँचा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के द्वारा। अब उसके बाद पहुँचता है ये जो धमनी दिख रही है, इसे कहते हैं पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी। ये धमनी है लेकिन इसमें ब्लड कैसा बह रहा है, देखिए यहाँ कैसा ब्लड था, अशुद्ध ब्लड था, अभी शुद्ध नहीं हुआ है, अशुद्ध ब्लड धमनी में पहुँचा, इसमें कैसा ब्लड बह रहा है, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है ये जो लंग्स हैं हमारे, ठीक है, इंसुलेटेड शब्द है पल्मोनरी, तो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ों को जाने वाली धमनी। अब ये धमनी क्या करती है, दो फेफड़े होते हैं यहाँ, एक के लिए ये वाली चलेगी, देखिए एक के लिए ये वाली चलेगी, दो फेफड़ों के लिए ये धमनी क्या करती है, ब्लड लेकर यहाँ पहुँची, ब्लड लेकर यहाँ पहुँची दोनों फेफड़ों के पास, दोनों फेफड़ों के पास, और एक कैसा ब्लड पहुँचा है, अशुद्ध ब्लड पहुँचा है, कैसा, अशुद्ध। हम यहाँ से देखिए ये मुख गुहा है, छोटा हो गया थोड़ा सा डायग्राम, और यहाँ से हम सांस में ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं। अब यहाँ फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस है और जो ब्लड आया था यहाँ पहुँचा था उसमें CO2 गैस थी। अब ये ब्लड क्या करता है, यहाँ CO2 को छोड़ देता है और यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ता है और फिर से लौट के आता है। जब ये लौट के आता है तो ये देखिए पल्मोनरी वेंस, इन पल्मोनरी वेंस या इन्हें कहते हैं फुफ्फुस सिरा, इन्हें कहते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा में कैसा ब्लड बह रहा है, शुद्ध। देखिए आप समझिए ध्यान से, यहाँ यहाँ पर जब ब्लड गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ फेफड़ों में हमने सांस के जरिए ऑक्सीजन पहुँचा दी, अब यहाँ से ब्लड ने ऑक्सीजन ग्रहण कर ली तो कैसा हो गया, शुद्ध। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्लड शुद्ध कहाँ होता है। अब बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और ये बड़ा बड़ा मतलब हर जगह कई सारे एग्जाम्स में इसका आंसर भी गलत दे रखा होता है, कई सारी किताबों में गलत दे रखा है। ब्लड शुद्ध होता है फेफड़ों में यानी कि लंग्स में, ठीक है, और ब्लड स्वच्छ होता है किडनी में, स्वच्छ का मतलब है साफ या क्लीन, लेकिन प्योर पूछा जाए तो कहाँ होता है, फेफड़ों में, ठीक है। तो स्वच्छ का मतलब है साफ, कौन करता है ब्लड को, तो किडनी, वृक्क। लेकिन ब्लड शुद्ध कहाँ हो रहा है, शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो, और शुद्ध कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, उसे फेफड़ों से, इसलिए शुद्ध होता है फेफड़ों में, और स्वच्छ कहाँ होता है, किडनी में। यहाँ दो किडनी होती है, हमारा जो नाभि होती है उसके दोनों ओर दो किडनी होती है, वहाँ पर स्वच्छ साफ होता है, गंदगी दूर होती है। अब यहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण की ब्लड ने और फिर आया लौट के, अब ये पल्मोनरी वेन्स आपको दिख रही है, इन्हें पल्मोनरी सिरा कहते हैं या फुफ्फुस सिरा कहते हैं। फुफ्फुस सिरा में ब्लड आया, यहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करके आया था तो शुद्ध हो गया। अब शुद्ध ब्लड पहुँचता है लेफ्ट ऑरिकल में या बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल्व खुल जाता है, इस वॉल्व को कहते हैं राइट एरिट्रोवेंट्रिकुलर, सॉरी लेफ्ट एरिट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब ये वॉल्व खुल जाता है और ये वॉल्व खुल गया, खुल के ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेरिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये एक वॉल्व और होता है, इस वॉल्व को कहते हैं, इस वॉल्व को हम कहते हैं क्या, आउटिक वॉल्व कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से ब्लड पहुँचता है आउटा में और आउटा से पूरे शरीर में ब्लड पहुँच जाता है, ठीक है, पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई कर दी जाती है आउटा के जरिए। तो ये इस तरीके से जो धड़कता है, ये इस तरीके से ब्लड को खींचता है और फिर ऐसे अगर खुल गया तो ब्लड इसमें आके समा जाएगा और पिचकेगा तो ब्लड बाहर इससे निकल जाएगा। ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है, हृदय इस तरीके से धड़कता रहता है। हमारे जो हृदय की धड़कन शुरू होती है, डॉक्टर्स का मानना है कि हृदय की धड़कन को कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता, ये सेल्फ होती है ना, और ऐसा हो सकता है कि कोई देवी शक्ति है जो इसे स्टार्ट करती है। इसलिए दुनिया के ज़्यादातर डॉक्टर्स विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं ईश्वर पर या भगवान पर, ठीक है, कि भगवान इसको हार्ट को धड़कना स्टार्ट करते हैं। इसकी धड़कन स्टार्ट करना बहुत मतलब कोई नहीं कर पाया आज तक हृदय की धड़कन को स्टार्ट। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे। देखिए शुद्ध ब्लड कहाँ बहता है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, दो टाइप की रुधिर वाहिनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन सी होती हैं दो टाइप की,
एक होती है धमनी, दूसरी होती है सिरा। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। सिरा यानी कि आर्टरी जिसे कहते हैं, सॉरी वेन जिसे कहते हैं, और धमनी यानी कि आर्टरी। तो धमनियों में शुद्ध बहता है और सिराओं में अशुद्ध बहता है। लेकिन इसका अपवाद है, एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, कौन सी? फुफ्फुस धमनी। दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन आता है धमनियों में कौन सी धमनी अपवाद है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, तो फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी इसे कहेंगे। और फुफ्फुस सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहेगा लेकिन फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ से एक चीज़ और, शुद्ध ब्लड कहाँ होता है, ब्लड शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़ों में। और स्वच्छ यानी कि साफ कहाँ होता है? किडनी में। इतने सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो गए और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हृदय से फेफड़ों के लिए रुधिर ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ हार्ट है, हार्ट से ये वाली नली ले जा रही है फेफड़ों के लिए, जिसे पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो फुफ्फुस धमनी ले जाती है फेफड़ों के लिए ब्लड, और फेफड़ों से हृदय के लिए लेकर आने वाली नलिका को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फुफ्फुस सिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा ये देखिए पल्मोनरी वेंस, इनके जरिए ब्लड यहाँ पहुँच रहा है, ब्लड पहुँचता है लेफ्ट ओरिकल में, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है और वहाँ से ये वॉल्व होता है, आउटिक वॉल्व इसे कहते हैं, ये खुल जाता है और आउटा के द्वारा, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, पूछा जाए कौन सी है तो आउटा। तो इस आउटा के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड एक तरीके से सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, और वो घूमता रहता है इस तरीके से, वो ऑक्सीजन को छोड़ के आता है कोशिकाओं के पास, वहाँ से फिर से यहीं पहुँचता है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। और मैंने आपको इनके बारे में बता ही दिया है, जो हमारी धमनियाँ और सिराएँ हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था, और आपका कोई क्वेश्चन हो हृदय से रिलेटेड तो मुझे बताइए, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस क्लास में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।